हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल माइंड हिप्नोटिज्म एंड आई एम रिशु चौधरी। आई एम फ्रॉम दिल्ली। फ्रेंड्स, आज मैं आपसे बात करूंगी डिप्रेशन के बारे में। आज मैं आपको डिप्रेशन के बारे में कुछ बताऊंगी और साथ ही साथ इससे रिलेटेड एक बहुत ही पावरफुल मेडिटेशन भी बताऊंगी। तो सबसे बड़ी बात यह है कि डिप्रेशन आजकल एक बहुत भयंकर बीमारी बनती चली जा रही है। पूरा संसार इससे परेशान है, संसार का हर एक इंसान इससे परेशान है और डिप्रेशन एक लाइलाज बीमारी बनती चली जा रही है। इसका कोई इलाज भी नहीं है और आज तक से कोई दवाई भी नहीं बनाई गई है। और ये जो डिप्रेशन है, ये इंसान को आहिस्ता आहिस्ता करके मौत की ओर लेती चली जा रही है। तो फ्रेंड्स, जो ये डिप्रेशन ये एग्जैक्टली में है क्या चीज़, आइए समझते हैं। फ्रेंड्स, डिप्रेशन का एक्चुअल मतलब है किसी भी नेगेटिव थॉट्स की आवश्यकता से अधिक होना या बहुत ज़्यादा होना कि डिप्रेशन कहलाता है। इसकी चैन से बंधी भी होती है और यह चैन इंसान को आहिस्ता आहिस्ता करके निराशा और निराशा और गहरे निराशा की तरफ ले जाती है और फाइनली उसका जो एंड होता है वो मौत से होता है। आपने एक बहुत मशहूर कहावत सुनी होगी, चिंता चिता समान होती है, लेकिन जिसने भी कही है बहुत खूब कही है और मुझे लगता है कि शायद उसने इसी मैटर को देखकर कही होगी। इसमें क्या होता है कि जो डिप्रेशन का पेशेंट होता है उसे लगता है कि अब उसकी ज़िंदगी में करने लायक कुछ नहीं बचा है, अब उसके जीवन का समाप्त होने वाला है, उसका जीवन समाप्त होने वाला है और वो बहुत हताशा और निराशा में चला जाता है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको छोटी सी टेक्निक बताती हूँ आपको क्या करना है। इस टेक्निक के अंदर जब भी आपको लगे कि डिप्रेशन आपके पास आ रहा है या नेगेटिव थॉट्स आपके पास आ रहे हैं तो आपको अपने आप को ऑब्जर्व करना है, आपको अपने अंदर अवेयरनेस लानी होगी। जब भी आपको लगे नेगेटिव थॉट्स आपके पास आ रहे तो आप एकदम से अवेयर हो जाइए और आप चेक कीजिए, हर थोड़ी थोड़ी देर बाद चेक करते रहिए कि नेगेटिव थॉट्स आ कहाँ से रहे हैं आपके। और जब आप अपने माइंड को चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि नेगेटिव थॉट जो आ रहे हैं वो बहुत तेज़ी से वहाँ से गायब हो गए हैं और आपका माइंड बिल्कुल शून्य हो गया है, वहाँ कुछ नहीं बचा है। फ्रेंड्स, मैंने आपको कहा था कि मैं आपको इसके साथ एक मेडिटेशन भी बताऊँगी। ये एक बहुत ही पावरफुल मेडिटेशन है, आप इसे करके देखिए, बहुत इफ़ेक्टिव है। लेकिन ये इफ़ेक्टिव तब है जब आप इसे करके देखेंगे। खाली वीडियो देखकर छोड़ देने से तो आपसे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि ये वीडियो आपको कोई फ़ायदा तो पहुँचाएगी नहीं। बस एक टेक्निक ही बता रही हूँ आपको, आपको इस टेक्निक को खुद करना होगा। तो आप इस टेक्निक को कीजिए। जब भी आपको लगे कि आप गहरे निराशा में जा रहे हैं, बहुत ही हताश और निराश हो रहे हैं, तो आप इस तरह से, आपने देखा कि ये मिडिल फिंगर है और ये थम्स है, इस तरह से ऐसे करना है आपको, इस तरह से चुटकी बजानी है। हाँ फ्रेंड्स, आपको इस तरह से चुटकी बजानी है, 8 से 10 बार इस तरह से चुटकी बजाएं। और फिर जब इस तरह से हो जाए तो आप क्या करें कि अपने ये जो दोनों फिंगर्स हैं आपके, आप अपने यहाँ पर रखिए, यहाँ पर थर्ड आई चक्र पर जैसे मैंने किया है इस तरह से रखिए। और आप कुछ सेंटेंसेस बोलिए, कुछ ऐसे सेंटेंसेस बोलिए जिससे कि आपका मन जो विचलित मन हो शांत हो जाए और आप थोड़ा सा फ्रेश फील करो। तो मैं आपको बता करके दिखाती हूँ कि आपको कैसे करना है। कि आपको ऐसे रखिए और कुछ सेंटेंसेस बोलिए, जैसे मैं बोल रही हूँ कि मेरा मन बहुत शांत है, मेरा मन बहुत शांत है, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, मैं बहुत आनंद हूँ, मैं बहुत आनंद हूँ, मेरा मन बहुत शांत है, मेरा मन बहुत शांत है, मेरा मन बहुत शांत है, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत आनंद हूँ। और उसके बाद फ्रेंड्स, आप अपने हाथों को इस तरह से रब करें, हल्का सा इस तरह से रब करें और फिर उसके बाद अपने पूरे चेहरे को इस तरह से 3 बार फिरें। फ्रेंड्स, ये बहुत पावरफुल मेडिटेशन है, आप इसे करके देखिए। और इसके साथ आप हमारे और भी मेडिटेशन कर सकते हैं साथ में, अगर आप करना चाहें तो आप हमारे चैनल की जो वेबसाइट है www.mindhypnotism.com पर जाकर सर्च कर सकते हैं। और मेरा दावा है कि अगर आप इस टेक्निक को अपनाते हैं और डेली करते हैं तो आपको 100% फ़ायदा होगा। आप इसे करके ज़रूर देखिए, बहुत अच्छी टेक्निक है और कईयों ने इसे इस्तेमाल किया, इससे फ़ायदा उठाया है। डिप्रेशन एक छोटी मोटी बीमारी, इसे ना समझिए कि इसका कोई इलाज नहीं है, तो ये बहुत छोटी मोटी बीमारी है। यही इसकी वजह है कि बीमारी बहुत बड़ी है, क्योंकि इसका इलाज नहीं है। कैंसर जैसी बीमारी का इलाज हो गया है, उसकी भी मेडिसिन आ गई, लेकिन डिप्रेशन का आज तक कोई इलाज या कोई मेडिटेशन नहीं आया है। ये लाइलाज बीमारी है और बहुत ही भयंकर बीमारी है। इसका खात्मा भी सिर्फ
मोड पर जाकर ही खत्म होता है। फ्रेंड्स थोड़ा सा आप भी पॉजिटिव सोचना शुरू करें, क्योंकि और जीवन अपने अंदर इच्छा जगाएं कि आप जीना चाहते हैं, क्योंकि जीवन बहुत बेशकीमती होता है, बहुत अनमोल होता है। इससे ऐसा ना गवाएं, आपको जीना तो पड़ेगा ही, तो क्यों ना खुश होकर जिए। देखिए फिर डिप्रेशन कैसे भागता है ऐसे चुटकी बजाते हुए। फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक और शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्या पता किसी नीडी पर्सन के काम आ जाए जो डिप्रेशन में हो। और अपने अभी तक हमारे चैनल माइंड हेल्पर टूरिज्म को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरी जितनी भी वीडियोज़ हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और मुझे आपसे दोबारा मिलने का मौका मिले। जाने से पहले मैं आपसे फिर से वही कहूँगी कि डिप्रेशन बीमारी जो है बहुत ही भयंकर बीमारी है, बहुत लाइलाज बीमारी है। इसको सीरियसली लें, इसे लाइटली मत लें। अपने लाइफ से प्यार करें, ज़िंदगी से प्यार करें, ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है। और जैसे मैंने आपको टेक्निक बताई इसे यूज़ कीजिए, मेरा दावा है कि अगर आप इस टेक्निक को यूज़ करेंगे तो ये 100% काम करेगी और आपको इंस्टेंटली असर दिखना शुरू हो जाएगा। और मैं जल्दी मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।